वेलकम टू दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक फॉर इंडिया। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसान रथ के बारे में, जो कि एक भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है यह एप्लीकेशन। तो इस ऐप में आप जो कि क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग जो कि बात करेंगे। तो सबसे पहले जो कि हमारे मोबाइल में जो कि वो किसान रथ जो कि इंस्टॉल होना जरूरी है, इसलिए हम लोग प्ले स्टोर में जाते हैं और वहाँ पे जो कि किसान एप्लीकेशन को जो कि किसान रथ जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे किसान रथ ऐप, तो जो कि यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि सेकंड नंबर पे जो एप्लीकेशन आ रहा है किसान रथ, तो उसको उसमें जो क्लिक करते हैं तो मेरे मोबाइल में पहले से एप्लीकेशन जो कि इंस्टॉल है, तो हम यहाँ से ओपन पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपके मोबाइल में अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको सबसे पहले जो कि इसको इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद उसके ओपन पे क्लिक करिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे किस तरह हम इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो कि लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है भाषा सिलेक्ट करने का, तो आप यहाँ पे अपना भाषा जो कि सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट इसमें देखते हैं कि इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं और इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको मिल रहा है, जैसे कि फार्मर हो गया, ट्रेडर हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया। तो हम लोग सिंपली जो कि फार्मर जो कि किसान है, तो किसान किस तरह से इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो किसान किस तरह से कर सकते हैं, तो सबसे पहले इस सब में ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर क्या है, फार्मर क्या है। तो फार्मर तो आप लोग जानते हैं, हम लोग एक किसान है, तो आप अपने जो कि फसल को किस तरह से बेच सकते हैं, इस फार्मर वाले ऑप्शन से आप क्लिक करके कर सकते हैं। ओके, तो आप अगर मंडी है तो इसे ट्रेडर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि आप जो कि सामान को इधर से पहुंचाना चाहते हो, ऑप्शन में कोई व्हीकल्स है तो उसमें इस सर्विस प्रोवाइडर को आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सर्विस प्रोवाइडर का काम करना चाहते हैं तो इसमें जिस फार्मर से आप रिसीव करके आप जो कि ट्रेडर को जो कि सप्लाई कर सकते हैं। तो ओके, तो यहाँ पर देख सकते, सबसे पहले जो कि यहाँ पर हम लोग को मोबाइल नंबर और पासवर्ड से जो कि लॉगिन करना पड़ता है। तो हम लोग जब तक इसमें रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तब तक हम लोग जो कि इसमें लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर यहाँ पर नीचे पर दिया हुआ रजिस्टर का ऑप्शन, तो इसमें हम लोग क्लिक करके रजिस्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि आप एक फार्मर है, ट्रेडर है या फिर सर्विस प्रोवाइडर है। तो आप यहाँ पर जो भी है आप अपने हिसाब से जो कि सिलेक्ट कर सकते हैं। एज वेल हम लोग जो कि फार्मर पे क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑन पीएम किसान। अगर आपका यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आपका पीएम किसान में रजिस्टर्ड किया हुआ है तो आपके यस कीजिए, अगर नहीं है तो फिर नो पे क्लिक करिए। तो ठीक है, तो मेरा पीएम किसान में रजिस्टर्ड नहीं है तो हम यहाँ पर नो करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम डालिएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर डालिएगा, उसके बाद इसमें ओटीपी जाएगा, उसके बाद उसमें रूरल या अर्बन है, अर्बन पे सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करिएगा, उसका डिस्ट्रिक्ट अपना ब्लॉक और विलेज सिलेक्ट करिएगा। तो हम वन बाय वन सारे को फिल करते हैं। तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट करते हैं, आपका पीएम किसान में आपका रजिस्टर किया हुआ है तो आप यस कर सकते हैं। तो हम अपना नाम डाल देते हैं यहाँ पर, जैसे कि अपना नाम, फर्स्ट में अपना नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, तो हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका ओटीपी, तो ओटीपी यहाँ पर कैसे आएगा, तो हम लोग यहाँ जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कि मोबाइल पे जो कि एक ओटीपी सेंड हो जाएगा। तो उस ओटीपी को जो कि क्लिक करना पड़ता है, यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, तो तब तक ओटीपी आने से पहले हम लोग नीचे वाले ऑप्शन को जो देखते हैं आ गया एम किसान करके। तो इस ओटीपी को हम लास्ट में डालेंगे, तो पहले हम अपना स्टेट सिलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर मैं अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जिस स्टेट से हैं, बिलोंग करते हैं, वो अपना स्टेट सिलेक्ट कर ले। हम लोग झारखंड के हैं तो झारखंड को सिलेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं झारखंड में, तो हम लोग बोकारो के हैं तो बोकारो सिलेक्ट करते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपना डिस्ट्रिक्ट जो कि सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ब्लॉक, किस ब्लॉक के हैं, तो हम लोग चंदनकैरे, मेरा जो कि चंदनकैरे प्रखंड पड़ता है, तो चंदनकैरे ब्लॉक को हम सिलेक्ट करते हैं। आपका जो पड़ेगा आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सारा जो कि फिल किया हुआ, तो यहाँ पर चंदनकैरे में कौन सा विलेज पड़ता है उस विलेज को भी आप जो कि यहाँ पे कर सकते हैं। तो चंदनकैरे में मेरा विलेज जो पड़ता है, हम अपना विलेज को भी सिलेक्ट कर देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे यहाँ विलेज में, ओके, तो मेरा विलेज गोरी ग्राम पड़ता है, तो गोरी ग्राम को करते हैं। और उसमें ओटीपी डालने के बाद देखते हैं जो कि यहाँ पर एक ओटीपी आया हुआ है। चलिए देखते हैं, मैसेज में आपको दिखा देते हैं सर। तो आपका मोबाइल में भी जो कि इस तरह का एक ओटीपी आएगा, किसान रथ ओटीपी इतना फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन किसान रथ। तो इस ओटीपी को आपको जो कॉपी कर लेना, या फिर कॉपी कर सकते हैं या फिर आपको डायल कर सकते हैं। तो ऐप में जाते हैं और यहाँ पे जो कि ओटीपी को
कर देते हैं। तो यहाँ पे आप रूरल अर्बन अपना हिसाब से जो है आप सिलेक्ट करके इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में इसे रजिस्टर्ड कर देते हैं। तो मोबाइल एंड ओटीपी डज नॉट मैच बता रहा है, तो क्या करते हैं हम इसको जनरेट ओटीपी पर फिर से क्लिक करते हैं। तो हम लोग फिर से यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और रजिस्टर कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का जो कि पॉपअप खुल जाएगा, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, द पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। तो हमारे मोबाइल नंबर पे जो कि पासवर्ड आ गया है, हम अब उसमें देख सकते हैं मेरा पासवर्ड जो कि यहाँ पर आपका देख सकते हैं पासवर्ड वगैरह सारा शो कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड ये जितना, तो ये पासवर्ड मेरा मोबाइल पे आ चुका है। तो इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं पासवर्ड को भी, और वहाँ पे अपना जो कि लॉगिन करते हैं, ओके कर देते हैं, सीधा बैक आ जाता है। बैक आने के बाद हम किसान वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हम अपना जो मोबाइल में जिससे हम लॉगिन किए हैं अपना वाला जिसमें रजिस्टर्ड किए हैं उस टाइम जो मोबाइल नंबर डाले थे वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। 8 उसके बाद नीचे आपको जो कि अपना जो पासवर्ड आया है उन पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद साइन इन कर देना है। जैसे साइन इन करिएगा उसके बाद आपको जो कि एक्सिस्टिंग मतलब इससे पहले जो पासवर्ड आप जो टेम्पररी पासवर्ड जो आया हुआ वो पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद अपना जो कि पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड जो आपका होना चाहिए जो कि एसएफए पासवर्ड होना चाहिए जिसमें कि स्पेस लेटर, जिस तरह का मेरा इस तरह का पासवर्ड जो बना हुआ है देख सकते हैं, इस तरह का इस तरह का ही आप एक पासवर्ड बनाए जिससे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस तरह का होना जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद आप जो कि इसमें सबमिट का बटन है उस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर साफ पासवर्ड किस तरह बना सकते हैं, फर्स्ट 1 2 3 4 चार तरह का जो कि एटलीस्ट वन अपर केस मतलब एक कैपिटल लेटर होना जरूरी है, साथ ही एक लोअर केस एक लोअर लेटर भी होना जरूरी है मतलब स्मॉल लेटर, तीसरा नंबर पे सबसे नमेरिकल नमेरिकल जो होना भी जरूरी है, और एटलीस्ट वन स्पीक कैरेक्टर लाइक स्पीक करेक्टर जैसे कि हैच हो गया, एट द रेट हो गया, ये सारे जो कि कुछ एक स्पीक लेटर आप डाल के उसको पासवर्ड को आप बना सकते हैं। तो हमने जो कि पासवर्ड जो बनाया था देख सकते हैं इस तरह का मेरा स्पीक लेटर भी डाला हुआ है, नंबर एक डाला हुआ है, लोअर केस भी डाला हुआ। तो इसको करने के बाद उसको कर देते हैं, उसको सबमिट करते हैं, पासवर्ड हैज बीन चेंज। तो पासवर्ड चेंज हो गया। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं देख सकते हैं पासवर्ड चेंज हो गया उसमें। तो यहाँ पर जो कोई भी रिक्वेस्ट लिस्ट में यहाँ पर कोई कुछ भी शो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ से एक भी रिक्वेस्ट अभी तक पोस्ट नहीं किया है यहाँ से। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से आप जो कि पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप बनाएंगे तो जो कि आपको वीडियो जो कि ज़्यादा लॉन्ग पड़ जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके गुड बाय। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें।